नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, नए साल के दिन और नया साल आने वाला है। इस नए साल पर आप कुछ नया करने की सोच रहे होंगे और इस नए साल पर कुछ नया संकल्प भी आपने लिया होगा। इस साल आप यह नया करेंगे और आपका लक्ष्य होगा कि कुछ मनचाहा पाने का, और इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत और पूरी निष्ठा और लगन से कार्य को करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, मेहनत के साथ साथ अगर भगवान को भी लेकर चलते हैं तो और भी कुछ अच्छा होता है और भाग्य संवर जाता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और कुछ आप भी करते करते रहेंगे तो आपका पूरा साल मंगलमय हो जाएगा। और नए साल से पहले यह उपाय करेंगे तो आप मालामाल और घर समृद्धि और धन धान्य से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि नए अपडेट्स, नई वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो का पता चलता रहे। दोस्तों, जीवन को खुशियां और परिवार को सुख समृद्धि और परिवार की मन की इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। पहला उपाय, सुबह उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को जल का अर्घ दें और जल में थोड़ा सा गंगा जल या रोली और हल्दी डालकर और पुष्प अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर चाय पीते हैं तो चाय में चीनी के जगह पर गुड़ अदरक का इस्तेमाल करें तथा मेवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो आपको भविष्य के लिए हितकारी होगा। दोस्तों, अगर आप विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने से आप सभी परेशानियों से दूर तो रहते ही हैं, इसके साथ आप पैसों की प्राप्ति भी कर सकते हैं और अचूक धन लाभ मिलेगा। एक दीपक को जलाकर अपने पूजा घर के सामने बैठ जाएं और सामने माँ लक्ष्मी तथा विष्णु जी की तस्वीर को रख लें और दीपक को जला दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें और दीपक को वहीं रख दें और दीपक को अपनी सारी इच्छाओं को बताएं। ऐसा करने से आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान कुबेर जी से जो प्रार्थना की जाए वह अवश्य पूर्ण होती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी, और कुबेर भगवान को प्रसन्न करके यह सब कुछ किया जा सकता है। इसके लिए आप अगर महालक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान की प्रार्थना करते हैं तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए आप माँ लक्ष्मी की जी के साथ कुबेर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें, एक घी का दीपक जलाकर पूजन करें, और अगर आप शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष दीपक जलाते हैं तो उसे अखंड लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और यह उपाय नियमित रूप कर से करने से आपकी मन की जितनी भी अभिलाषाएं कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगी। अगर आप नए साल के दिन पानी में गौमूत्र और फिटकरी डालकर घर में इस पानी का पोछा लगाते हैं तो आपको अचूक धन की प्राप्ति होती है और घर में नेगेटिव एनर्जी का स्थायी रूप से निवास नहीं होता, वह घर से दूर रहती है। इसके लिए यह पोछा बहुत कारगर है और आपको अचूक धन की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नए साल के दिन धूप जलाकर पूरे घर में इस धूप को घुमाएं और इसको घर के मंदिर में स्थापित कर दें, और हो सके तो जहां पर पक्षी इकट्ठे बैठते हैं वहां पर पक्षियों को दाना जरूर डालें और एक पक्षी को पिंजरे से मुक्ति दिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी रुकावटें, आपके ऊपर सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा और धन धान्य से घर आपका भर जाएगा और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी।
अगर घर में बरकत चाहते हैं और मनचाही मुराद को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए नए साल की रात को एक मुट्ठी गेहूं ले लें और रात को 12 बजे लाल कपड़े में इन गेहूं को लपेटकर पोटली बनाकर घर की पूर्व दिशा में इसको छुपा दें। और ऐसा करने से आपकी सभी की मन की मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप विश्वास पूर्वक अगर करते हैं तो। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिनको करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं नए साल के शुभ अवसर पर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नया नुस्खा नया उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।